तैनात रहेंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में रिजर्व फोर्स को भी तैनात किया जाएगा। इसी कड़ी में सिक्योरिटी चेक के बाद प्रत्याशियों के एजेंट को अंदर एंट्री दी जाएगी। राजधानी भोपाल में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। 7 विधानसभाओं की मतगणना स्ट्रांग रूम से की जाएगी और स्ट्रांग रूम बनाया गया है पुरानी जेल को, जो कि हमेशा से ही जो है बनाया जाता है। और यहाँ पर आप बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी देखेंगे। ये तमाम पुलिस अधिकारी और सेंट्रल फोर्सेज और 3-tier सिक्योरिटी के लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी पुलिस अधिकारी 3 तारीख को यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें शामिल रहने वाले हैं। इन सभी को आज यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग के साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर खासतौर से इन पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी है। अधिकारियों के साथ साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में 3-tier सिक्योरिटी जो है वो देखी जाएगी। सेंट्रल एजेंसीज जो फोर्सेज हैं उनकी भी यहाँ पर खास तौर से जो है ड्यूटी रहने वाली है। और 3-tier सिक्योरिटी फोर्स की अगर मैं आपको बात करूँ तो चेकिंग की जाएगी। किसी भी प्रत्याशी या उनके समर्थित लोगों को अंदर मोबाइल फोन्स ले जाना अलाउड नहीं रहने वाला है। मीडिया के लिए भी अलग रूल्स हैं। यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पुलिस अधिकारी अवधेश गोस्वामी जी हमारे साथ। सर, काफ़ी सिक्योरिटी के साथ और आज आपने यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी है, क्या कुछ तैयारियाँ 3 तारीख को लेकर की गई हैं आप लोग की ओर से? बड़ी व्यापक तैयारियां, चूंकि राजधानी है, मतगणना स्थल के व्यापक तैयारियां की गई हैं और 3-layer सिक्योरिटी लगाई गई है। बाहर क्राउड कंट्रोल को करने के लिए अलग से व्यवस्था लगाई गई है। बाकी जेल, जो हमारे पुराना जेल जो मतगणना परिसर है, इसमें भी जो है फिस्किंग के बाद ही मतगणना में भाग लेने वाले कर्मचारी या पॉलिटिकल पार्टीज़ के काउंटिंग के जो एजेंट्स हैं वो अंदर जा पाएंगे। गजेट्स जो हैं और मोबाइल अलाउ नहीं रहेंगे। मीडिया कर्मियों को मोबाइल अलाउ रहेंगे, वो भी वहाँ तक जहाँ मीडिया हाउस है वहाँ तक उनको अलाउ रहेंगे। और सारी तैयारियाँ हमारी कंप्लीट हैं। अभी हमने उनकी एक रिहर्सल के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ बुलाया है और 3 तारीख को माकूल व्यवस्था रहेगी। सर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहने वाले हैं तो जो प्रत्याशियों के समर्थक लोग रहेंगे उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं खासतौर से रहेंगी और किन को, क्या मंत्रियों और विधायकों को भी अंदर नहीं जाने दिया जाने वाला है? स्पष्ट है, निर्देश निर्वाचन आयोग के स्पष्ट हैं कि अंदर केवल प्रत्याशी और उनके जो अधिकृत एजेंट्स हैं उन्हीं को अलाउ किया गया है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कुछ पास जारी किए गए हैं। अधिकृत पासधारी व्यक्तियों को जेल परिसर में जो एक निश्चित जगह बनाई गई है वहाँ तक अलाउ किया जाएगा। और हमारी तैयारी जो है वो पूरी है कि एक जो जिसके लिए जहाँ तक एक्सेस है वहीं तक वो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो क्राउड है उसको हम जेल परिसर के बाहर जो बैरिकेड्स हैं वहीं पर रोक देंगे। एक और बस सवाल मेरा है सर कि कितने बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है, कितना फोर्स रहेगा, क्योंकि 3-tier सिक्योरिटीज बार रहेगी? लगभग 1500 का बल जो है वो राजपत्रित अधिकारियों के साथ लगाया गया है और इसके अलावा रिजर्व पार्टियां संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगी, जो कि इस बात का ध्यान रखेंगी कि विभिन्न राजनीतिक दलों के जो व्यक्ति हैं वो आपस में कोई क्लैश की स्थिति ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर एनडीटीवी से बातचीत के लिए। देखिए, अवधेश गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद थे। बेहद ही तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे जो है पुलिस अधिकारियों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। करीब 1500 का पुलिस फोर्स जो है वो तैनात रहेगा। इसके साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों पर भी खास तौर से जो है रिजर्व अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो कि पुलिस प्रशासन की ओर से एक बड़ी तैयारी है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।